गाइस हम छाता लेके आए ऊपर, ये देखो गिर जाएगा इधर। तो हे गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे। तो अभी टाइम दोपहर के 2 बज गए हैं और मौसम देखो, आहा अभी, पर ये देखो अभी ना आंधी आई थी बहुत तेज और ये बाहर निकल गया और इसकी आंखों में पड़ गई मिट्टी और बाहर अंडरवियर बनियान के साथ चश्मा और कैप लगा रखा लल्लू लाल ने। तो गाइज अभी अभी ना ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और मेरे ख्याल से ना इधर से बारिश आ रही है। ये देखो बादल गाइज, मजा आ जाएगा बारिश आ जाए। तो कल ही मैं सोच रहा था कि बारिश नहीं आई काफी टाइम से, तो अभी मौसम हो गया बहुत ही जबरदस्त। पर ये देखो मजे ले रहा खूब ठंडे मौसम के। तो गाइज मौसम हो चुका है जबरदस्त, हम ले रहे हैं ठंडी हवा के मजे। अभी थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, बारिश का वेट करते हैं, अगर बारिश आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। ये क्या कर रहा है लल्लू? तो गाइज क्या जबरदस्त मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, बारिश तो आ ही रही है आसपास। नहीं तो अब तो इतना अंधेरा और क्या, तूने ये काला चश्मा क्यों लगा रखा है? तो गाइज मेरे को तो यही था कि शाम को 5 बजे 5:30 बजे स्टार्ट करेंगे व्लॉग, क्योंकि 2 दिन से इतनी गर्मी हो रखी है ना। कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि गर्मी के कारण सारा दिन मेरा सिर दर्द होता रहा, आज भी सुबह से वही हाल था और इतनी गर्मी थी। तो ये तो था कि बारिश आएगी पर और एकदम से ही आंधी आने लगी और मौसम ठंडा हो गया। तो अभी फिलहाल बाहर बैठे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं। देखो गाइज कितनी तेज़ हवा है, फुल स्पीड में, इतनी तेज़ हवा से ना बादल ना चले जाएंगे यहाँ आगे, इतनी तेज हवा से बाबू बादल ना चले जाएं आगे। कहीं मैं ही ना उड़ जाऊं पापा की परिया के। पापा की परी, अभी चश्मा उतार दे, ये वाला अंधेरा और है, हल्की हल्की तो आने लगी बूंदे पर फुल तेज आए ना तब मजा है। ऐसे खुश हो रखा है, मौसम ठंडा हुआ है ना, कई दिन से ये भी बेचारा खेलने को तरस रहा है, मजे ले रहा पूरे। ओहो फोन दिखदा हथो फोन। तो गाइस फुल तेज आंधी तूफान चल पड़ा है यहाँ, अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखो कार का कवर चार तरफ से तनियाँ बांधी हुई हैं तो टिका हुआ है, नहीं तो उड़ जाता अभी तक। फुल स्पीड में हवा चल रही है, फुल स्पीड में, ऐसे लगता है कि जैसे वो बेरी ना गिर जाएगी अभी, पूरे बादल आ रखे हैं। तो गाइस हल्की हल्की बूंदाबांदी तो शुरू हो गई पर फुल तेज आए ना फिर मजा आया। तो गाइस अभी हम आए हैं छत पे टाइम लैप्स वीडियो लेने के लिए और छत पे आए हैं तो बारिश भी तेज होगी हल्की हल्की। अब ये देखो ये छत पे आके लिए जा रहा है पंगे, बारिश है बाबू इधर आ जा इधर आ जा। गाइस हम छाता लेके आए ऊपर, ये देखो गिर जाएगा इधर। छाता ही उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, आ जा इधर आ जा, इसको बंद कर दे, बस बंद कर दे इसको, लग गया लोक लग गया। चल अब क्यों पंगे लेते हैं, खोलता हूं इसको ना। गाइस ये लल्लू लाल पंगे ले रहा था, हमारा छाता वो गया छत पे, वहां से गया उड़ता हुआ। अब उठा के ला, उठा के ला, चल उठा के ला, मामू को बोल उठा लेगा वहां से। इधर को मैं बोल रहा हूँ भी, तू पंगे नाले नाले नाले, अब गया ना छाता। गाइस अभी अभिनव को बोला है वो इधर से उठा के ले जाएगा ना आके। छाते की कोई बात नहीं, तेरे चोट लग जाए, वो इतना तेज खींच के लेके जाता है, जब ऐसी तेज हवा होती है तो छाता खींच ले जाता है। लल्लू लाल। तो गाइस अभी फिलहाल बारिश रुक चुकी है, हम यहाँ मजे ले रहे हैं। मामू आगे, मामू आगे। कहाँ आ गया? इधर से ही आ गया, इधर है जा बुला रहा तेरे को मामू। क्या हुआ ये कना? मारता। नहीं मारता, मारते। वो मैगी लेके आया तेरे लिए, जा जा ले आ। वो देख जा मैं तो कुत्ते। तू क्या कर रहा है नीचे? वो गाइस वो देखो आ रहा, चला गया नीचे, इसके नीचे जाती बारिश स्टार्ट हो गई। तो गाइज मैं अभी छत पे ही हूँ, आ रहा तो नीचे गया और बारिश रुक चुकी थी पहले, तो वो देखो सारे बादल उधर गए हवा से, काफ़ी तेज रुकी रही बारिश, तो मैं टाइम लैप्स ले रहा था वो भी ढंग से नहीं लिए गए। अभी फ़िलहाल बारिश फिर स्टार्ट हो गई, तो
को अभी मैं देखता हूँ, नीचे जाता हूँ। आर्य तो बाहर तैयार खड़ा है नंगा होके बारिश में नहाने के लिए, पर बारिश आ ही नहीं रही है तेज, और हमारा छाता और दूसरी छत पे चला गया। पहले वो छाता भी लेके आते हैं और नीचे चलते हैं। तो गाइस फिलहाल नीचे आ गया हूँ मैं, और बादल पूरे गरज रहे हैं, बरस तो नहीं रहे, हल्की फुल्की बारिश ही आ रही है बस। और आर्या फिलहाल नहा लिया है, ये नहा के बैठा है अपना कार्टून देखे जा रहा अपने मोबाइल पे। टाइम से इसलिए नहा लिया क्योंकि और घंटे में इसने ट्यूशन जाना है, 4:30 बजे ट्यूशन है इसका, तो अभी फिलहाल 3 बजे हैं। अभी मैं भी पहले नहा लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। साइकिल लेके जाएगा ट्यूशन, साइकिल खड़ी कहाँ करेगा। तो गाइस 4:15 बजे हैं और ये 4 बजे ही लग गया कि मैं ट्यूशन जाना है मेरे को अभी। और मम्मी कर रहे हैं सफाई, सीट का हाल देखना क्या कर रखा है साइकिल की, देख पंगे लेता। तो गाइस आ रहा है आज ट्यूशन साइकिल पे जा रहा है। तो गाइस आ रहा गया ट्यूशन, उसने मेरे को नहाने नहीं दिया, कहता पहले मैं ट्यूशन जाऊंगा, मेरा व्लॉग बनाना फिर नहाना। तो अभी आ रहा गया ट्यूशन, अभी मैं नहाता हूँ क्योंकि आंधी आई थी ना, आंधी से मिट्टी मिट्टी हो रखे हैं, बुरा हाल हो रखा है। अभी पहले मैं नहाता हूँ और मम्मी बैठे हैं बाहर, ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं। A few hours later. आ गया तू? तो गाइस आ रहा आ गया, ये क्या ले जाने को इतनी जल्दी करता है, इतनी जल्दी करता है। तो गाइस ये देखो आते ही मेरी गोदी में बैठ गया ये लल्लू लोल। क्या पार बाबू, बारिश आ रही है हल्की हल्की आ रहा है। तो गाइस अभी फिलहाल शाम के 5:30 बज रहे हैं और देखना जस शाम हो रखी हो, ऐसा मौसम हो रखा। गंगानगर तो खूब बारिश हुई है, और गंगानगर का और यहाँ का 15-20 मिनट का डिफरेंस रहता है, इसलिए हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। अब ये जिद कर रहा है कि मेरे को बाहर गली में साइकिल चलानी है। तो गाइस मैं बाहर बैठ जाता हूँ वहाँ पे, और आ रहा साइकिल पे चक्कर निकाल लेता है। थोड़ी सी लगी है बाबू। तो गाइस आ रहा ने बाहर एक ही चक्कर निकाला, अपनी मैम के घर तक जाके वापिस आया, बस कैमरा ऑन नहीं था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और स्टंट तो नहीं मारा, बस ऐसे मेरे पास आके इसने ब्रेक ही मारी है और गिर गया। तो गाइस आ रहा के ये चोट लगी है, बस ऊपर से पजामा फट गया, इस जगह से चोट कम लगी है पर पजामा फट गया, कोई दिक्कत नहीं है पजामे की, तो शुक्र है चोट कम लगी है। तो गाइस ये देखो ये पजामा फट गया ना, पजामा फट के और नीचे चोट लग गई, तो बस इतनी चोट लगी तब से रोए जा रहा है, दर्द हो रहा है। तो बाबू छोटी थोड़ी सी भी लगती है, दर्द तो होता ही है एक बार, तो यार गाइस अभी रोए जा रहा है ना, थोड़ी देर बाद ऐसे खेलोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो गाइस अभी ना वे बैठा और मम्मी बना रही है, हमारे यहाँ तो इसको चिब्बड़ कहते हैं, बागड़ी में काचर कहते हैं, और हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, ये ककड़ी का छोटी ककड़ी है ये। तो मम्मी इसकी बनाएगी अभी चटनी, अभी ना कैमरा सामने आते ही उधर भाग गया। मीनू चाय बना रही है शाम की, और ये देखो इसका दर्द, अभी कह रहा था दर्द हो रहा है, फोन हाथ में आते ही दर्द गायब। तो गाय शाम के 6 बज गए हैं और शाम की चाय आ गई हमारी, वो भी पहले चाय पीते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल चाय पी के बाहर आके बैठे हैं, बारिश का ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते। ये देखो मैं यहाँ भी खड़ा हूँ ना, ये तो लाइट के चक्कर में खड़ा हूँ ना, सामने से लाइट पड़नी चाहिए, तो यहाँ भी बारिश आ रही है। अभी ये कुर्सी डाल रखी है, इस कुर्सी पे बैठे हैं, इतना की गैप है बस बारिश से बचने के लिए। कपड़े उतारूं, कंबल लाऊं, बस सो जाऊं। कहाँ सो जाऊं? यहाँ। हाँ यार, अपने आते अवेलेबल वेस्ट कर बारी ठंडा हो। इधर आना। नहीं तो सारी लाइटें क्यों बुझाया जा रहा है? बिजली वेस्ट नहीं, आज तू बिजली वेस्ट कर रहा है, कल परसों तू वो कर रहा था हेल्थ का, मेरे को समझ नहीं आ रही तू ये सारी बातें सीख कहाँ से रहा है। माइंड में क्या माइंड में, अगर अपने बाहर बैठना तो उसको बंद करके आओ, नहीं तो मैं बैडमिंटन से वर्क करूंगा। बैठ जा लल्लू, एक लाइट जगती छोड़नी। तो गाइस ये देखो इसको सिखाया होगा कि बिजली वेस्ट नहीं करनी है, और ये सारी लाइटें बंद करे जा रहा है, ये देखो करा है अंदर लाइट बंद, सारी लाइटें बंद करे जा रहा है, चाहे कोई जरूरत है चाहे नहीं है, इसने बंद कर देनी है बस। तो गाइस देखो मम्मी यहाँ सो रहे हैं आराम से बारिश में, और आ रहा है ये घूमे जा रहा है, लोगों को ज्ञान बांटे जा रहा है। ये बातें तो बाबू बढ़िया है जो तू सीखता है, पर ये तू कभी कभी अप्लाई करता है ना, कभी कभार तो तू कूलर भी चलता छोड़ जाता है। अब बता तेरे को क्या चाहिए था चीज बाबू, हल्की हल्की बारिश हो ही जा रही है यार। नहीं पैदल चलेंगे, पैदल नहीं चलेंगे, बाइक पे चलेंगे। तो गाइस एक्चुअल में ना आर्या के चोकोस खत्म हो रखे हैं, और ये सुबह
चोकोज ही खा के जाता है, तो इसको दिला के लाते हैं, नहीं तो और कुछ खाता ही नहीं, ये चोकोज ही खाता बस। तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं, आ रहे हैं कि चोकोज लेने के लिए। तो गाइस आ रहे के चोकोज भी ले लिए और बिस्किट भी ले लिए जो ये खाता है। अभी फिलहाल चलते हैं घर। तो गाइस आ रहे के चोकोज और बिस्किट लेके घर पहुंच गए हम। और जैसे ही घर पहुंचे तो मीनू ने बताया कि उसका फोन खराब हो रखा है, और ये देखना फोन कैसे कर रहा है। अब ये इसको मैं बंद कर दिया, मैंने अपने आप ही चल रहा है, ये देखो गाइस अपने आप ही चले जा रहा है। भूत आ गया इसके अंदर, भूत क्या, इसको भूत को निकालो, भूत के एक चांडा मारो, भगाओ इसको। भूत नहीं, इसका ना ये बैक वाला जो बटन है ना, ये इसके कारण हो रहा है सारा कुछ। मीनू बहुत रफली यूज करती है इसको। अभी फिलहाल इसको दोबारा मत्था मारता हूँ, सही होता है तो ठीक है। देखना अपने आप ही खुले जा रहा है। A few moments later. तो गाइस अभी फिलहाल मीनू का फोन तो ये कर रहा है, तो मैंने सर्विस सेंटर वाले लड़के को फोन करा था अभी, तो वीडियो बना के भेजी है, तो उसने बोला कि इसका फोल्डर खराब हो गया। तो अब देखते हैं, फोल्डर डलवाना ही पड़ेगा इसमें नया, सुबह देखते हैं जाएंगे फिर सही करा लाएंगे इसको। तब तक के लिए ये MI वाला स्पेयर पड़ा था फोन, मीनू किसी में इसमें डाल दी, जब तक ये सही नहीं होता तब तक मीनू ये वाला यूज कर लेगी। ये तो शुक्र है कि ये स्पेयर फोन पड़ा था। तो अभी फिलहाल मीनू डिनर ला रही है, फिर डिनर करते हैं। तो गाइज रात के 10 बजने वाले हैं, तो गाइज डिनर आ गया हमारा। डिनर में है सिंपल दाल रोटी और चिबड़ों की चटनी, तो अभी डिनर करते हैं। तो गाइज अभी फिलहाल डिनर कर लिया है, और डिनर के बाद तो एज यूजुअल आपको पता ही है, तो इस व्लॉग का एंड करते हैं गाइज। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइज आपको नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।